दो परियोजनाएं हैं बांध की, उन पे बात करनी है। दो बांध की परियोजनाएं हैं जिन पे बात करेंगे, तो उनमें से पहली जो परियोजना है वह है टिहरी, टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध परियोजना। देखिए, जो कोई भी बांध परियोजना है वह क्यों स्थापित की जाती है? उसके स्थापित करने के, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? कोई भी यह जो प्रोजेक्ट स्थापित किया जाता है वह कई उद्देश्यों की पूर्ति, इनको बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुत सारा उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होता है? एक तो होता है बिजली उत्पादन करना, बिजली उत्पादन। दूसरा होता है सिंचाई के लिए जल एकत्रित करना, ठीक है। बाढ़ से सुरक्षा के लिए, पेयजल की पूर्ति के लिए, है ना। ये कुछ उद्देश्य होते हैं मुख्य, जो किसी भी परियोजना को स्थापित करने के लिए, जो बांध परियोजना आदि होती हैं, डैम प्रोजेक्ट आदि होते हैं, उनको स्थापित करने का क्या होता है? लक्ष्य होता है। लेकिन जब इन परियोजनाओं को स्थापित किया जाता है तो उद्देश्य, कोई भी कार्य, कोई भी एक योजना या लक्ष्य आप कोई कार्य करते हैं तो कुछ उसके फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ऐसे ही इन परियोजनाओं को स्थापित करने से फायदे तो हैं, ये सब मिलते हैं, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान होते हैं? एक तो लोगों का जो मतलब निवास स्थान है वह संकट में आता है, समाप्त हो जाता है। जो पर्यावरण है, पर्यावरण, उसकी क्षति होती है, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है, ठीक है। बहुत सारे जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं। तो इन सब कारणों से बहुत सारे वैज्ञानिक पर्यावरण के, जो पर्यावरण के बारे में सोचने वाले हैं, उनके चिंतक हैं, है ना, पर्यावरणविद जो हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं, और जो स्थानीय लोग हैं जहाँ पे डैम बनता है, वो लोग इसका विरोध करते रहते हैं। इसीलिए हमको ये पढ़ना है कि क्या समस्याएँ होती हैं, क्या फायदे होते हैं, और लोग क्यों विरोध करते हैं, और उन विरोधों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ठीक है। तो टिहरी बांध जो परियोजना है, इसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में कौन सी नदी पे बना है यह? हाँ, भागीरथी और दो नदियों के संगम पर बना है, भागीरथी और भीलंगाना नदी है। तो उत्तराखंड का एक जनपद है, जनपद है क्या? टिहरी जनपद, टिहरी जनपद है, जहां पे भागीरथी और भीलंगाना इन दोनों नदियों के संगम पर टिहरी डैम क्या है, बनाया गया है। डैम कैसे बनाया जाता है? डैम क्या होता है? आप नदी के मार्ग में एक बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे नदी प्रवाहित हो रही है, ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इसका पानी स्वच्छंद बहता जा रहा है, आप यहां पे बहुत मोटी सी दीवार खड़ा कर दिए, ऊंचाई खूब बड़ी है ना। अब क्या होगा? इसका पानी इकट्ठा होता जाए, है ना, खूब ऊंची दीवार इकट्ठा करते हैं, और इसमें आप छोटे छोटे गेट लगाए हुए रहते हैं, और उस गेट से जो है पानी निकालते हैं, और वहां पे टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन एक ऐसा यंत्र है, टरबाइन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, टरबाइन, टरबाइन एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में,
विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी, जैसे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी है, उसको किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी में। कैसे? टरबाइन होता है, उस पर पानी गिराते हैं तो टरबाइन घूमता है, और टरबाइन जब घूमता है तो उसके बीच में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, उसके कारण विद्युत जनरेट होती है, ठीक है ना। एक होता है टरबाइन और एक होता है मोटर, दोनों का एक दूसरे को उल्टा काम होता है। मोटर, जो विद्युत मोटर होता है जिससे आप पानी निकालते हैं, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आपको आना चाहिए। जो आप लोग घरों में मोटर प्रयोग करते हैं पानी निकालने के लिए, उसको क्या देते हैं? बिजली देते हैं आप, अब वो आपको कुएं से पानी निकाल के देता है। टरबाइन पे क्या करते हैं? पानी गिराते हैं, वह पानी गिराना यांत्रिक ऊर्जा है, और उससे वो क्या बना देता है? विद्युत बना देता है, ठीक है। तो ये टरबाइन और मोटर, ठीक है। तो या हाँ टूटना क्यों चाहिए? इन्होंने ये गेट जो लगाया है किस लिए लगाया है? जब पानी एक्स्ट्रा होता है, कई सारे गेट होते हैं, वो नॉर्मली एक गेट खोले रहते हैं, जब बरसात होती है खूब ज़्यादा तो वो कई सारे गेट खोल देते हैं, तो वो जो पानी जो है अन्य क्षेत्रों में फैल जाता है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं इस पर। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है, जैसे इसका निर्माण जो है रूसी तकनीक, रूस जो देश है उसकी मदद से किया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है, ऊंचाई जो है यह 260.5 मीटर है ना। मतलब ऊंचाई, मतलब ऊंचा इतना बड़ा है, 260 मीटर ऊंचा है यह, ठीक है। और यह भारत का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है, और विश्व में इसका 5वां स्थान है। भारत का सबसे बड़ा डैम है और विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है इस डैम का, ठीक है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर से नाम से भी जानते हैं, स्वामी राम तीर्थ सागर नाम से भी इसको जानते हैं, किसको? टिहरी डैम से। तो आपसे टिहरी डैम पूछ सकते हैं या डायरेक्ट पूछ लें कि स्वामी राम तीर्थ सागर के बारे में बताइए, तो आपको बताना हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि इस परियोजना का कब निर्माण किया गया, कैसे कैसे इस पर क्या चीज़ें कार्यवाही की गई हैं। तो इसके निर्माण की जो स्वीकृति है, आपको पता है कि 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, है ना। योजना आयोग बना था, जो क्या करता था, बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करते थे, और यह शुरू में जो नेहरू थे उन्होंने खेती आदि को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी बांध परियोजनाओं को क्या किया था, निर्माण करवाने का वो किया था, है ना। उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, कुछ एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, क्या मंदिर कह के कुछ प्रोनाउंसिएट किया था वो, ठीक है। तो योजना आयोग ने 1972 में क्या किया, इसको स्वीकृत दी कि एक बांध क्या करना है, हमको बनाना है टिहरी बांध, ठीक है। किसने स्वीकृत दी? योजना आयोग ने, योजना आयोग ने 1972 में क्या किया, स्वीकृत दी कि हमको योजना बनानी है। फिर उस समय पे जो उत्तराखंड है वो किसका अंग था? यूपी का ही अंग था, ठीक है ना, 1972 के आसपास। तो उत्तर प्रदेश का जो सिंचाई विभाग था, सिंचाई विभाग, उसने 5 अप्रैल 1978 से क्या किया,
काम करना प्रारंभ किया कि भाई डैम बनाना है तो उसके लिए योजना आदि बनानी होगी। काम होता रहा, जैसे आप जानते हैं सरकारी काम कैसे होता है, तो काम बहुत धीरे चल रहा था, इसके कारण फिर क्या किया गया 1989 में 10 साल तक देखा सरकार ने, तो स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार से इस काम नहीं कर पा रही थी, तो केंद्र सरकार ने 1989 में एक संस्था बनाई, उस संस्था का नाम है टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन, टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन है ना, THDC, टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन यह संस्था बनाई गई कब 1989 में। क्यों बनाई गई? क्योंकि राज्य सरकार सही से कार्य नहीं कर रही थी, तो केंद्र द्वारा यह एक संस्था बनाई गई 1989 में, और इसको इस परियोजना को बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई, किसको? THDC को, टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन को, ठीक है। 1989 में जब यह योजना बनी तो इसने इस परियोजना के निर्माण की एक लागत बताई, और वह लागत थी 3,000 करोड़ रुपए। कितना? 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने बताया कि इतना खर्च लगेगा टिहरी डैम को बनाने में, ठीक है। फिर इसका निर्माण क्या हुआ? शुरू हुआ, और 19 अक्टूबर 2005 को है ना, 19 अक्टूबर 2005 को इसका निर्माण क्या हुआ? समाप्त हुआ 19 अक्टूबर 2005 को। देख रहे हैं कितना साल लग गया, 11 साल उधर लग गया और 5 साल इधर लग गया, 15 साल अगर उधर से जोड़ेंगे तो 10 साल और जोड़ ले, 25 साल में जो है डैम बना टिहरी डैम, ठीक है। इसीलिए भारत का जो पड़ोसी देशों से संबंध है इसके कारण भी थोड़ा ख़राब रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो काम करने का समय है बहुत ज़्यादा है, हम अनेक देशों में जैसे नेपाल में भूटान में हम वादा तो कर देते हैं कि हम आपके यहाँ ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे डैम का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन हम बहुत समय लेते हैं, 25-30 साल से बहुत सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं नेपाल में भी, तो उससे क्या होता है हमारा जो द्विपक्षीय संबंध है देशों से ख़राब होता है। उधर चीन जो है 5 साल में खड़ा कर दे रहा है और हम 25 साल से लगे हैं, तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे आप? आपको तो अपना काम कराना है, भारत नहीं करके दे रहा है तो जो करके देगा उसी के सपोर्ट करेंगे ना आप, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं काम ना करूँ काम कोई और करे आप सपोर्ट मेरा करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये समस्या है। अब वो सरकारी मशीनरी की समस्या है, किसी की समस्या है, समस्या तो है ही। 2005 हाँ 29 अक्टूबर 2005 को है, 19 नहीं 29 ही है, 29 अक्टूबर को क्या किया कि इस डैम को, देखिए डैम जब बनाया जाता है ना तो एकाएक तो पानी रोका नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे बनाते हैं और जो जो गेट्स हैं उनमें से बहुत सारे गेट खुले रहते हैं और धीरे धीरे उनको बंद किया जाता है, तो इस डेट में 29 अक्टूबर को जो है डैम को बंद किया गया कि डैम अब पूरी क्षमता तक भरा जाए। डैम कह सकते हैं एक बाल्टी है या एक टंकी है, अब टंकी में आप एक तरफ टंकी का दोनों वो खोले रहिए तो पानी जितना आएगा उतना निकलता जाएगा, भरेगा कब? जब आप टोटी बंद कर देंगे, तो उस दिन जो है इसका टोटी बंद कर दिएगा पूरा 2005 में, तब वो भरना शुरू हुआ है, नहीं तो पहले जितना पानी आ रहा था वो निकल जा रहा था। तो 2005 से मतलब तैयार हुआ, और उसके बाद से जुलाई 2006 से यहाँ से बिजली उत्पादन क्या हुआ? शुरू हुआ। जुलाई 2006 से क्या हुआ? बिजली उत्पादन यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो टिहरी बांध में जल विद्युत उत्पादन के लिए जो स्थापित किया गया है क्या? टरबाइन है ना, वो उनकी क्षमता होती है, तो यहाँ पे लगभग जो है
जो टरबाइन स्थापित किए गए हैं वो तीन तीन घटक हैं उनके, और टोटल जो है यहाँ का जो क्षमता है, मतलब अगर पूरी क्षमता से काम करे तो यहाँ पे लगभग 2400 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न होगी मेगावाट। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पूरी क्षमता से उत्पन्न हो जाए, तो कितना, तीन घटक जो हैं उनके तीनों के नाम अलग अलग हैं। जैसे पहला है टिहरी बांध परियोजना, जिसका 1000 मेगावाट है क्षमता। क्या हुआ, देखिए कोई भी जैसे ये परियोजना है ना, तो एक जो परियोजना बनाई जाती है उसमें कई सारे बांध आदि बनाए जाते हैं, है ना। एक प्रोजेक्ट जो होता है उसमें कई सारे बांध बनाते हैं और उनका उद्देश्य बिजली उत्पादन करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या करते हैं, पानी को ऊंचाई से, जैसे पानी है ना, मान लीजिए यहाँ पे टंकी रखी है और यहाँ पे टरबाइन बना दिया, टरबाइन ये घूमने वाला है, जब तेजी से पानी गिरता है यहाँ पे तो ये खुद तेजी से घूमता है, और ये तेजी से घूमता है टरबाइन इसको कहते हैं, और इससे क्या बनती है, बिजली बनती है। तो जो डैम में पानी इकट्ठा किए हुए हैं उसको टरबाइन पर गिराएंगे, और वो टरबाइन पर जब गिरेगा घूमेगा तो बिजली पैदा होगा। और हमारा लक्ष्य है इस पूरे परियोजना से कितना बनाने का, 2400 मेगावाट। तो उसके लिए कई सारे टरबाइन लगाए जाते हैं, तो उन्हीं टरबाइन के आधार पर ये बताया जा रहा है कि कौन सा कितना लगाया गया, उससे कितना मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना से 1000 मेगावाट उत्पन्न करने का है। एक और बांध देखिए, प्रोजेक्ट जो होता है उसमें कई सारे बांध शामिल होते हैं। अभी हम लोग नर्मदा वैली प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें 20 से 25 बांध बनाए गए, इसमें 3 से 4 बांध बनाए जाएंगे, है ना, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। दूसरा जो है वह है कोटेश्वरम बांध, कोटेश्वरम बांध जिसकी क्षमता है 400 मेगावाट। कोटेश्वरम बांध की क्षमता कितनी है, 400 मेगावाट। और फिर है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट जिसकी क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट। तो ये है टोटल मिला के 2400 मेगावाट हो जाता है, है ना। टिहरी जो बांध बना है इसमें जो मैक्सिमम पानी की ऊंचाई हो सकती है ना, वो कितनी हो सकती है, 835 मीटर समुद्र तल से, 835 मीटर समुद्र तल से। समुद्र तल याद रखिएगा, है ना, नहीं तो सोचेंगे कि ऊंचाई तो इसकी जो थी वो 260 ही मीटर थी टिहरी डैम की, तो पानी इतना ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि वो ऊंचाई समुद्र तल से मापी जा रही है। तो जहाँ पे डैम स्थापित, जैसे यहाँ पे ज़मीन है, ये समुद्र तल से हो सकता है 100 से 150 मीटर ऊपर हो, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई डैम मैं बनाऊँ और उस डैम की ऊंचाई मैंने कितना रखा है, 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें 100 मीटर ही पानी आएगा, 100 मीटर ऊंचाई का पानी आएगा, लेकिन इस जगह की खुद में ऊंचाई जो है समुद्र तल से वो कितनी है, 100 मीटर है। तो जो समुद्र तल से ये पानी का स्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात कि नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं। यह डैम की ऊंचाई कितनी बताया, 260 मीटर, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो 835 मीटर समुद्र तल से है ऊंचा। वो कैसे है, मान लीजिए यहाँ का उदाहरण समझिए, यहाँ की मान लीजिए ऊंचाई जो समुद्र तल से है कितनी है, 100 मीटर। तो यहाँ से 100 मीटर समुद्र तल से ऊंचा यह जगह है ना। अब इस जगह पर 100 मीटर ऊंचा बांध बनाया है तो उसमें 100 मीटर ही पानी आएगा ना, लेकिन अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे इस पानी की तो कितना हो जाएगी, 200 मीटर ना। तो
तो इसीलिए 835 मीटर ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वह टिहरी में जहाँ डैम बना है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पहाड़ पे है ना उत्तराखंड, तो इसलिए। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? अभी जैसे बताए थे कि क्या है इनका उद्देश्य इस परियोजना को स्थापित करने का, उस पर बात करते हैं। तो बहुत सारा उद्देश्य है, जल्दी जल्दी बात करेंगे। उद्देश्य है ना परियोजना स्थापित करने का क्या है? तो पहला तो उद्देश्य है कि विद्युत उत्पादन करना, जैसे बता चुके हैं विद्युत उत्पादन, और कितना उत्पादन करना है? 2400 मेगावाट है ना। तो ये विद्युत उत्पादन जो हम करेंगे, इससे क्या होगा हमारे देश को लगभग 2000 करोड़ का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, 2000 करोड़ का लाभ हमको मिलेगा ये, अगर इतना विद्युत हम उत्पादन कर लेंगे, ठीक है ना। और इससे 9 राज्य जो हैं उनको क्या हो रही है? बिजली प्राप्त हो रही है, ठीक है, 9 राज्यों को बिजली प्राप्त हो रही है। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य है सिंचाई, है ना। तो इसके कारण, इस बांध के बनने से, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ का लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको क्या हो रही है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है ना, नहरों के माध्यम से। जो डैम बने हैं उनसे नहरें निकाली जाती हैं और नहरों से सिंचाई होती है, तो 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या हो रहा है? सिंचाई प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगला क्या था? पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, पेयजल, पीने के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है डैम से। डैम के पानी को फिल्टर करके सप्लाई करते हैं, जैसे दिल्ली में कहाँ से कुआं मतलब बोर कितना करेंगे, तो जो डैम का पानी है उसी को फिल्टर करके सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब उसको साफ करके। तो लगभग जो है यहाँ से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 102 करोड़ के आसपास जो है लीटर, 102 करोड़ लीटर जल जो है, पीने का पानी जो है, लोगों को यहाँ से क्या कराया जाता है? उपलब्ध कराया जाता है। और अगला जो उद्देश्य है, चौथा जो उद्देश्य है, वह है कि इससे बाढ़ नियंत्रण भी होता है। बाढ़ नियंत्रण कैसे होता है? बाढ़ नियंत्रण ऐसे होता है कि जब आप किसी नदी पे बांध बना देते हैं तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है पानी को कितना छोड़ा जाए, कितना रोका जाए। वैसे क्या होगा, बांध नहीं होगा तो बारिश का पानी आएगा, नदी में जाएगा और बहता जाएगा, तो हर जगह फैलता जाएगा। आपके पास कंट्रोल आपके हाथ में है, आप गेट तभी खोलते हैं बांध का जब खतरे के निशान तक पहुँचता है, तब तक आप स्टोर करते हैं, क्योंकि उसमें खतरे का निशान बना रहता है ना। रेणुकूट, ये रिहंद डैम में गए कभी देखने? नहीं, बाहर से देखे होंगे, सड़क से फोटो खींच के, है ना, कभी ले चलेंगे आप लोगों को तो वहाँ दिखाएंगे, है ना, कैसे डैम क्या होता है। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है यह, ठीक है ना। और क्या उद्देश्य होते हैं? जैसे पर्यटन के लिए भी, कुछ लोग पर्यटन देखने के लिए डैम जाते हैं, मछली पालन आदि किया जाता है डैम में, है ना, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है, है ना। तो इस तरह से जो है, तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बाकी और जो अन्य उद्देश्य हैं। इसका विरोध क्यों होता है, है ना, उद्देश्य हो गया, अब देखते हैं क्या है विरोध। विरोध भी होता है, बहुत विरोध होता है ऐसी परियोजनाओं का, और विरोध होने का कुछ कारण महत्वपूर्ण भी है, और कुछ तो अपनी रोटियां सेकने के लिए विरोध करते ही रहते हैं लोग। तो जो महत्वपूर्ण कारण है उनमें है, पहला है पर्यावरणीय क्षति। पर्यावरणीय क्षति, कैसी क्षति पर्यावरणीय की? जब डैम बनाया जाता है तो एक डैम जो है बहुत बड़े क्षेत्र में पानी को स्टोर करता है, है ना। ये डैम आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़े क्षेत्र में पानी स्टोर होगा, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, है ना, वो लोग क्या होंगे?
विस्थापित होंगे। तो लोग तो छोड़िए, वहाँ पे बहुत लोग तो चले भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो तो कहीं नहीं जा सकते, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादातर डैम बनाए जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे बहुत ऐसे पेड़ होते हैं जो कि केवल वहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में वो प्रजातियां क्या हो जाएंगी, नष्ट होती जाएंगी, और इससे पारिस्थितिकी असंतुलन या पारिस्थितिकी संकट क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बहुत बड़ी पर्यावरणीय क्षति होती है। तो पर्यावरण के जो जानने वाले हैं वो बहुत विरोध करते हैं, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत बड़े क्षेत्र के जो जीव जंतु हैं वह नष्ट होते हैं, और सरकार कहती तो है कि हम वृक्षारोपण करवाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टाब्लिश करवाएंगे, लेकिन करवाती नहीं है। आप देखते ही होंगे, सड़क बनती है, पेड़ कटते हैं, फिर कितने पेड़ लगते हैं उसके बगल में, है ना, वो केवल कागजों पे लिख जाता है कि लग गया है, लेकिन वास्तव में धरातल पे नहीं लगा जाता। तो ये असफलता है सरकार की, जो कहती है वो करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमको ज़रूरत तो है बिजली की, ये सब ज़रूरत तो है, लेकिन हमको उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है। जो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र है, अगर वो नष्ट हो जाएगा तो हम बचेंगे कैसे। तो पेड़ पौधे जीव जंतु बचे रहने चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए विकास, लेकिन जो हम पढ़ाए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास चाहिए, विकास करना है, लेकिन साथ ही में पर्यावरण को भी बचा के रखना है, ये नहीं कि पर्यावरण को नष्ट कर दें, ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि जो यह डैम बनाया गया, तो उसमें जो भागीरथी नदी की घाटी है उसमें लगभग 470 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र क्या हुआ, जलमग्न हो गया। 470 किलोमीटर, समझ रहे हैं, मतलब 470 किलोमीटर लंबा और 470 किलोमीटर चौड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पानी भर गया। अब सोचिए वहाँ कितने जीव जंतु पेड़ पौधे रह रहे होंगे। 470 किलोमीटर, समझ रहे हैं, यहाँ से बनारस 200 किलोमीटर है, तो उसका दुगुना लंबा उतना ही चौड़ा, कितना बड़ा क्षेत्र है, उसमें कितने जीव जंतु रहते रहे होंगे, तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन ठीक है, और क्या क्षति होगी, और क्षति ऐसी होगी कि जो बहुत बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, तो जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो नदियां अपने साथ पर्वतीय भागों से अपरदन करती हुई बहुत सारे पदार्थ को, अवसाद, जिस सेडिमेंट्स लेके चलती हैं, तो जब नदियों के पानी को रोका जाता है तो वह सेडिमेंट धीरे धीरे जमता जाता है, निक्षेपित होता जाता है, उस निक्षेपण से जो है जो डैम की आयु है वह कम होती है, है ना, मतलब डैम में जो पानी है वो कम से कम स्टोर होगा। अगर आप एक डब्बा लीजिए एक लीटर का है, उसमें आधा मिट्टी भर दीजिए, तब आधा लीटर ना पानी आएगा, तो वो बार बार उसकी सफाई करना भी एक कॉस्ट होता है, और अगर ज़्यादा मतलब उसमें भरता गया वह, तो कम से कम पानी स्टोर होगा, और हो सकता है कि ज़्यादा कचरा आदि भरने के कारण डैम कभी टूट भी जाए, है ना, ठीक है। लेकिन बांध प्रशासन जो होता है, जो बांध को देखने वाले होते हैं, उनका कहना होता है कि जो भी भाई पेड़ पौधे नष्ट होंगे उनके लिए हम पेड़ लगाएंगे, जो जीव जंतु स्थापित हो रहे हैं उनके लिए हम एक बॉटनिकल गार्डन या सब स्थापित करेंगे, कहते हैं, करते होंगे कि नहीं वो अलग बात है। फिर अगला समस्या क्या होती है, भूकंप की समस्या। भूकंप, बांध जो बड़े बड़े बनते हैं, जब पानी को एक ही जगह पे स्टोर कर लिया जाता है, तो उसके कारण जो है वहाँ की ज़मीन पर दबाव क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारा पानी एकत्रित हो गया है, तो उससे ज़मीन में दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण जो है पृथ्वी का जो संतुलन है वो थोड़ा बिगड़ता है, जिसके कारण कभी कभी भूकंप भी आता है। और भूकंप आने से समस्या यह है कि अगर भूकंप आया और डैम टूट गया, तो जितने भी उस नदी के आसपास नगर बसे हुए हैं सब तहस नहस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी जो है आता है, और क्या होता है, बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है, और लोग समय ही नहीं मिलता है, है ना। तो भूकंप
आएगा तो डैम अगर टूट गया तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके खिलाफ बांध प्रशासन क्या कहता है, बांध प्रशासन कहता है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया है कि 8 रिएक्टर तक अगर भूकंप आता है तो वह डैम क्या करेगा, उसको रोक लेगा, मतलब छोटा मोटा भूकंप को सहन कर सकता है। अब अगर बहुत है 8 से ज़्यादा आ गया तब तो फूट ही जाएगा, तब समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके बनाया गया है ना, तो बहुत सारे इंजीनियर लगे होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो एक संस्था है जिसका नाम है आईकोल्ड, आईकोल्ड ने इसको, आईकोल्ड क्या करती है, आईकोल्ड संस्था जो बांध हैं उनके जोखिम के आधार पर रैंक देती है, तो आईकोल्ड संस्था ने इसको बहुत ही ज़्यादा जोखिम वाले बांधों की सूची में डाला है। आईकोल्ड का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, उसने इसको बहुत ही भारी वाले जोखिम वाली श्रेणी में रखा है, किसको, टिहरी डैम को, ठीक है ना। इसके बाद सबसे जो गंभीर समस्या होती है, अगर मैं बांध के बारे में कुछ और आपको डिटेल बताऊं, जैसे इस जो ये डैम बनाया गया है इसकी जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है, डैम क्या है, डैम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो नीचे चौड़ाई ज़्यादा होती है, ऊपर जाते जाते चौड़ाई कम होती जाती है, दीवाल बड़ी मोटी दीवार, जब लगभग अगर नीचे देखेंगे तो ये एक लगभग 1125 मीटर चौड़ा दीवाल है, 1125 मीटर चौड़ा, समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर चौड़ी दीवाल बनाई गई है नीचे, फिर डैम ऊपर जाता जाता है तो ऊपर जाते जाते 25 मीटर के लगभग बचा है, जैसे यहाँ से वहाँ तक के लगभग मान लीजिए 25 मीटर है, तो सबसे ऊपर इतनी जगह है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो दीवाल और चौड़ी होती जा रही है, और लगभग 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर चौड़ी दीवाल बनाई गई है पानी को रोकने के लिए। नीचे क्यों बनाई गई है, क्योंकि नीचे ही तो स्टोर होता है पानी ज़्यादा, तो नीचे ज़्यादा दबाव बढ़ता जाता है तो नीचे मजबूत रहेगा तभी ना, नहीं नीचे से ही फूट गया ऊपर वो मजबूत रहेगा क्या करेंगे, है ना। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण विरोध होने का कारण है वह है पुनर्वास, पुनर्वास, हम लोग इंसान हैं, ठीक है हम लोग जानवरों की कद्र नहीं करते हैं लेकिन इंसानों का तो कद्र करते हैं, तो इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में लगभग 88 गांव, अगर जब ये डैम बना तो लगभग 88 गांव क्या है, आंशिक या पूर्ण रूप से डूब गए। अब एक गांव में सोचिए कितने लोग रहते होंगे, 88 गांव में कितने लोग रह रहे हैं, तो जब वो डूब गया तो कहीं ना कहीं गए होंगे, तो जब गए होंगे जैसे अभी जोशी मठ वाला जो चल रहा है तो वहाँ पे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जोशी मठ वाला सुने आप लोग, है ना, हम आपको जब पढ़ाए रहे होंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तब बताए थे, उसका कारण वहीं पे है तो उसमें नहीं जाएंगे। तो जब लोगों को विस्थापित करना होता है तो लोगों का घर होता है, उनके जानवर होते हैं, सबको अपनी ज़मीन से प्रेम है, खेती बाड़ी ज़मीन से, कोई क्या छोड़ के जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, और अगर दूसरी जगह जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, सबका रोज़गार है, रोज़गार सरकार देगी, वादा तो करती है सरकार कि हम आपको पूरी फैसिलिटी देंगे, आपको ज़मीन दे दिया जाएगा, आपको रहने के लिए इतना पैसा देंगे घर बनाने के लिए, लेकिन वही है कि सरकारी योजनाएँ बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, मतलब लोगों की मजबूरी है, अब वहाँ तो रह नहीं सकते पानी में, वहाँ तो जल भर गया है, तो कहीं ना कहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, वो अभी भी परेशान चल रहे हैं, सोचिए 88 गांव के कितने लोग जो हैं, इसमें आंकड़ा कुछ दिया होगा, दिया है लगभग 65,000 गांव के लोग और 20,000 शहर के लोग जो है विस्थापित हुए, इतने लोग कहाँ गए, क्या जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें सोचिए वृद्ध भी रहे होंगे, छोटे बच्चे भी रहे होंगे, तो लोगों को कितनी समस्याएं हुई होंगी इस योजना से, इसी कारण इसका ज़्यादा विरोध होता है कि सरकार कह तो देती है कि हम सबको पुनर्वासित करेंगे, सबको अच्छी नौकरी व्यवस्था करा देंगे, लेकिन करती नहीं है, तो लोग क्या करें, आंदोलन नहीं करेंगे, लोग आंदोलन करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, लगभग अभी तक बताया जा रहा है कि 12,000 से ज़्यादा लोग जो है वो पुनर्वासित नहीं हो पाए हैं, संकटों का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से था हमारा
टिहरी बांध परियोजना के बारे में। देखिए, हमको परियोजना की जरूरत है, वही हम फिर से कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। अगर ये सब समस्याएं आप सही से टैकल कर लें, इनका निवारण कर दें, तो कोई समस्या नहीं है भाई। आप अच्छी से अच्छी तकनीक का प्रयोग कीजिए, पर्यावरण क्षति को कम से कम कीजिए। भाई प्रोजेक्ट, जैसे ही प्रोजेक्ट समाप्त हो रहा है, उसी समय ये भी हो जाना चाहिए कि वहाँ के जितने लोग हैं अच्छे से जगह पर रह लें। क्योंकि देखिए कितने सालों लगा, 25 से 30 साल लगा इस डैम को बनने में, तो उतने समय में तो आप चाहते तो उनको अच्छी जगह पर विस्थापित कर ही सकते थे। समय तो ज़्यादा है आपके पास, लेकिन वही लापरवाही। जैसे कहते हैं ना कि 1 रुपये चलता है तो 1 पैसे बचता है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर 100 रुपये मैं भेजता हूँ दिल्ली से, तो गांव में पहुँचते पहुँचते वो 1 रुपये हो जाता है, बाकी 99 रुपये कहाँ जाता है, खा लेते हैं लोग, है ना, करप्शन। तो यही सब है। चलिए अब एक बचा है।